ढाई किलो का हाथ केवल एक्टिंग में, ढाई किलो का हाथ अगर दिखाने की बात है तो आओ बॉर्डर पे हम ढाई किलो का हाथ भी देखेंगे सनी देओल का। हम वो नहीं, कंगना रनौत किसानों का आतंकवादी बताती है, अरे तू है कौन, मंत्री है क्या, जुगाड़ है, टिकैत साहब ने कहा ये कंगना है कौन, अगर कंगना रनौत लक्ष्मी बाई है तो कहाँ है, हमें दिखे तो सही लक्ष्मी बाई अपने साथ इतने सारे गनर लेके मुंबई पहुंची थी, अगर लक्ष्मी बाई थी घोड़ा लेके अकेली पहुंचने का काम करती, क्यों नहीं गई कंगना रनौत। आप महिला हो, महिला की हद में रहिएगा, किसान है ये आपको पालने का काम करा, जब कोविड काल में आप घर में घुसी बैठी थी ना, उस समय आप यही किसान ये नेता था आपको रोटी पुछाने का काम कर रहा था, ये सिर्फ ट्विटर पर। और जाहिर सी बात है सरकार के कुछ डॉगीज घुमा देते हैं सरकार, जिनको टुकड़ा फेंकती है कि आपको ऐसे बोलना है तो उसी प्रकार बोलने का काम करते हैं। बॉलीवुड के मोहताज नहीं हम लोग, समय आएगा बॉलीवुड को भी जवाब दिया जाएगा, फिलहाल टकराव सरकार से है, सरकार की नीतियों से है। अगर सरकार से रही बात बॉलीवुड की, जो अपने आपको वहां इसी रूम में बैठ करके हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक बार जरा किसानों के आसपास को गाड़ी निकाल के देख लेगा, अगर रेल ना बना दी तो बात है किसानों के, जिस बात का गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी शहर शहर न रही रात हो गई, और इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRV लगातार जो है, PRV जो है, और मैं खुद यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, लगातार कवरेज आप PRV पे देख रहे हैं। और हमारे साथ एक युवा किसान है जिनका बैकग्राउंड खुद भी एक किसान से है, और इनसे बातचीत करते हैं कहाँ से आए हैं और सरकार जिस तरीके से अडिग है, आपको लगता है ये वापस लेगी, हमको तो नहीं लग रहा, क्योंकि जितना कानून सरकार ने अपने इसमें बनाया कभी पीछे नहीं हटी है। देखिए हमारे फायदे के लिए हम तो 2007 से अब तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मांग रहे, सरकार ने वो क्यों नहीं दी, उसी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर UPS कांग्रेस चुनाव लड़ती है, उसी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर भाजपा ने चुनाव लड़ा कि हम लोग लागू करेंगे। अब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को छोड़ करके आप लोगों ने कॉरपोरेट के दबाव में आकर के, अडानी अंबानी के दबाव में आकर के तत्कालीन जेंटली शनिवार, यानी तो ये देखो संडे के दिन हमारे देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, इतनी इमरजेंसी क्या पड़ गई थी कि आपको उस पर साइन करने पड़ गए, एक बार किसानों को बुलाकर देखते तो सही, एक बार देश के अन्नदाता से बात तो करते। अगर सरकार ये कहती है किसानों के फायदे का बिल है, मुझे एक किसान संगठन सरकार दिखा दे लाके कि हाँ जब बिल पास कर रहे थे उस किसान संगठन की मौजूदगी में ये बिल पास हुआ। सरकार ने केवल कॉर्पोरेट घराने के दबाव में आकर के सरकार की खुद की मनसा नहीं कि बिल लागू किया जाए, सरकार पर दबाव है जिन लोगों का, जो लोग सरकार के इस चुनाव में फंडिंग करती है, जो लोग सरकार के चुनाव में आकर के एडिंग में पैसा देते हैं, सरकार पे उन लोगों का दबाव है। पहले से इन भंडारण के इन लोगों ने अपने अपने सिस्टम बना करके देख कहाँ पे गेहूं रखना है, कहाँ पर धान रखना है, ये तो बना बना प्री प्लान था। आज कोविड का मामला है, दिख रहा है कि कहने किसान अपने किसान खुश नहीं तो सरकार पीछे क्यों नहीं हट रही, क्या इनको दबाव है, क्या कहेंगे, वही तो मामला है भैया। अडानी अंबानी पूर्ण रूप से इन पर काबिज है, सरकार बीच की बिचौलिया है, जो सरकार को हैंडल कर रहे हैं वो लोग कॉरपोरेट घराने के लोग हैंडल कर रहे हैं, उन्हें पता है कि देश के किन किन चीजों पर हमें कब्जा करना है, खेती पे आ जाएगा, खेती पर देश निर्भर करता है, पूरी दुनिया में भारत का कृषि प्रधान देश के नाम से डंका बजता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर 67% क्षेत्रफल पर खेती होती है, आप इसको कब्जा लो, लोग अपने आप में गुलाम हो जाएंगे। ये लोग क्या चाहते हैं कि किसान अपने आप में चौधरी होता है, वो अपनी खेती करके ठीक ठाक लड़ रहा है जैसे, हालांकि दाम तो उसे मिल नहीं रहे, लेकिन इनका क्या है, कहने लगे इस किसान को आप छोटा मजदूर बना लो, इनकी खेती ठेके पे लेकर के इसे 100-250 का। आपकी पॉइंट समझ गए, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ वो उनका कहना है कि थोड़े से जो किसान है उनको दिक्कत है, लेकिन जो बड़ा तादाद है किसानों का वो खुश है इसमें, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़े से किसान भैया, यहाँ 87% ऐसे किसान है जिन पर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, थोड़े छोटे तो किसान है देश के अंदर, बड़ा किसान बताओ कौन है। मुझे बड़ा तादाद जो किसानों का वो खुश है, अब बड़ा तादाद खुश हुआ है जो उसे 500-500 रुपए देकर के दिहाड़ी पर सरकार लाने का काम कर रही है। आप यहाँ जाइएगा, सिंघू बॉर्डर जाइएगा, टीकरी बॉर्डर जाइएगा, आपको किसानों का दर्द समझ में आ जाइएगा। जो वाकई किसान है, आप खुद मीडिया हो, आप जाकर ग्राउंड रिपोर्ट उनके खेतों में जाकर के लिएगा कि आपके नस्लों को, किसानों के घरों को बर्बाद करना चाहती है सरकार, किसानों को सस्ता मजदूर बनाना चाहती है सरकार। सरकार की मंशा ये है कि आज इस किसान को खेत से उठा करके, इस किसान को गाँव से उठा करके अपनी कंपनी में, अपनी प्राइवेट सेक्टर में मजदूर बनाने के तौर पर सरकार देखना चाहती है। पर मन की बात में किसान की एक मुद्दे को नहीं सरकार उठाती है, क्या कहेंगे? अगर सरकार को मन की बात करनी है, बड़ी LED लगा दे सरकार, जहाँ जहाँ दो बॉर्डर चल रहे, सरकार को आवश्यकता बड़ी सी LED लगाकर, और इनमें कुछ किसान चुन ले, आप इनसे लाइव मन की बात करें, आपको पता लग जाए किसान के क्या तथ्य, आमना सामना हमसे करे सरकार, हमसे सरकार तर्क वितर्क दे।
वो कौन लोग है जो समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? समर्थन में भाई कार्यकर्ता उन लोगों के, जाहिर सी बात है अगर मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मुझे दबाव आ रहा है भाई मेरी समर्थन में बोल तो आदमी बोलना पड़ता है, वो उनके कार्यकर्ता दिल उनका भी गवाही नहीं दे रहा कि ये कानून सही है, केवल उनको दबाव में आकर के भाजपा के कार्यकर्ता कुछ छोटे मजदूर जिनको 1500 रुपए दे करके लोग इकट्ठे करे घूम रहे हैं, एक बारात बना करके घूम रहे हैं। आप जा रहे हो गाँव में, आप पंचायत करने का काम कर रहे हो, अरे आपको यहाँ टीकरी बॉर्डर पर अपने नेता उतारते, अपने मंत्री उतारते, इन नेताओं से छोटी छोटी बैठकें करके, इन किसानों से बैठकें करके पूछते कि मामला क्या चल रहा है। लेकिन सन्नी देओल जैसे जो बड़े एक्टर हैं जो सिखों का किरदार फिल्मों में निभाते हैं वो भी आपके समर्थन में नहीं है? ये सन्नी देओल ये वे एक्टर हैं जो घातक में तारीख, इस तरह की तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख की बात करते हो। ये सन्नी देओल का जो पॉइंट आज सरकार कर रही है, तारीख पर तारीख किसानों को दे रही है, और भाई उसकी जो मम्मी जी है वो गेहूँ काटती है, आप हमारी फसल कट देगी हम उसे बुलाना चाह रहे हैं महाराज के गेहूँ काट लो, अरे मारे बहुत। आप चुनाव के टाइम पे गेहूं काटने का काम करते हो, लेकिन एक एस्टिमेट आया एक बार बोला किसी ने कि हाँ किसान का दर्द है, किसान परेशान है, एक हमारे बुजुर्ग ऐसे इस ठंड के माहौल में पड़े हुए हैं, ये चीजें सिर्फ दिखावटी है। सनी देओल को ये नहीं पता खेती क्या होती है, सनी देओल को ये नहीं पता किसान का दर्द क्या होता है, एसी रूम में पड़े लोगों को क्या पता, सिर्फ एक्टर्स है तो एक्टिंग करेंगे जाहिर सी बात है, और जब से एक्टर को इन लोगों ने अपने आप में घुसाया तो इनके बड़े बड़े नेता एक्टिंग करने का काम, फिर वो 2.5 kg का हाथ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? 2.5 kg, 2.5 kg का हाथ केवल एक्टिंग में, 2.5 kg का हाथ अगर दिखाने की बात है तो आओ बॉर्डर पे हम 2.5 kg का हाथ भी देखेंगे सनी देओल का। हम उन्हें कंगना रानावत किसानों का आतंकवादी बताती है, अरे तू है कौन, मंत्री है क्या, जुगाड़ है, टिकैत साहब ने कहा ये कंगना है कौन, आप महिला हो महिला की हद में रहिएगा, किसान है ये आपको पालने का काम करा, जब कोविड काल में आप घर में घुसी बैठी थी ना उस समय आप यही किसान ये नेता था आपको रोटी पूछाने का काम कर रहा था। अगर कोई किसान के मान सम्मान से खेलने का काम करेगा तो ध्यान रखिएगा ये देश की शान और बान से खेलने का काम करेगा, किसान किसी के किसी से भीख नहीं मारा ना किसान किसी चीज़ का मोहताज, ये धरती को चीर के अनुगाने का काम करता है, अपनी अपने हाथ के बल पर अपने खुद के बल पर देश को पालता है, खुद अपने बच्चों को पालने का। तो कहती है खुद को कि वो लक्ष्मी बाई का भाई है, अगर कंगना लक्ष्मी बाई है तो कहाँ है, हमें दिखे तो सही लक्ष्मी बाई अपने साथ इतने सारे गन्नर लेके मुंबई पहुंची थी, अगर लक्ष्मी बाई थी घोड़ा लेके अकेली पहुंचने का काम करती क्यों नहीं गई कंगना रानावत? तो घोड़ा चलाती थी ना, तो कहाँ है वो अब घोड़ा रहा, अब कहाँ है कंगना रानावत, क्यों घर में घुसी बैठी है? अगर इतनी बड़ी है तो लाभ ने समर्थक कितने समर्थक कंगना रानावत के, ये सिर्फ ट्विटर पर, और जाहिर सी बात है सरकार के कुछ, मैं कहना नहीं चाहूंगा, कुछ डॉगीज घुमा देती है सरकार, जिनको टुकड़ा फेंकती है कि आपको ऐसे बोलना है तो उसी प्रकार बोलने का काम करते हैं। सनी देओल तो कहते हैं कि हम भाजपा के साथ भी हैं किसानों के साथ, अगर सनी देओल किसानों के साथ है तो सनी देओल को देखना चाहिए कि कानून क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, ये जमा करने वाला सिस्टम, ये कितना भंडारण कर लेंगे, सनी देओल का क्या, सनी देओल तो 100 रुपए किलो का अनाज लेके खा लेगा, लेकिन जो हमारे आज शहरों के अंदर मजदूर रहते हैं, जो गाँव के अंदर आज मजदूर रहते हैं, किसान रहता है, उसे सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। और रही बात किसानों की, किसान तो लिए अपने खाने के लिए थोड़ा बहुत गेहूं बचा लेगा अपने खेत से, लेकिन स्वदेशी कंपनी है बाबा रामदेव, उसका क्यों बायकॉट कर रहे हैं आप, वो तो कोरोना के भी दवा बनाए। स्वदेशी बाबा रामदेव तो चुनाव से पहले जब सत्ता में भाजपा नहीं थी कह रहे थे, कहने लगे हम काला धन लेकर के आएंगे, मुझे एक रुपया दिखा दो, अगर बाबा रामदेव ने खड़ो के दिखाओ, कहने लगे मैं एक रुपया काला धन बाहर से लिया। ये सब इसी सरकार के पिट्ठू है भाई साहब, ये जैसे चाहेंगे जैसे सरकार चाहेगी उस तरह हैंडल होंगे। बाबा रामदेव एक बार भी किसान के दर पे आके बैठे, कहने लगे हमें स्वदेशी हूँ मेरा देश का किसान स्वदेशी है, एक बार बाबा रामदेव ना के लोगों का समर्थन क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। अभी हमें और कुछ अन्य भक्तों को ऐसा लग रहा है, कहने लगे जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, लेकिन आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है पूरे देश के लिए, जनहित के लिए। लेकिन और मामला देखिए, 370 बनाए, राम मंदिर बनाए, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी तारीफ। राम मंदिर मोदी ने बनाया, राम मंदिर कोर्ट बना रही है भाई, हमारे देश में न्यायालय में, न्यायालय पर फक्र है, न्यायालय जो करेगा सत्य करेगा, जब तक न्यायालय बैठा है मैं किसी सरकार पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और 370 हटने की बात है, ठीक है हटा दी, बढ़िया बात है, अब बताओ कौन वहाँ पे घर बना रहा है, जाके पहले लोगों को, देश के लोगों को वहाँ रहने का बसेरा दो, कुछ काम सरकार कर रही है करने दो, लेकिन ये देश के भविष्य की बात है, किसान देश का फ्यूचर है, किसान देश का भविष्य है, किसान देश की रीढ़ है, अगर सरकार किसान को बैक ले जा करके देश में अपना कब्जा जमाने की सोच रही है तो सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप पे आरोप ये भी लगता है कि आप राजनीति, संबित पात्रा जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो कह रहे हैं किसान संगठन राजनीति कर रही है, उससे बड़ा जोकर संसार के तख्ते पे नहीं भाई, संजीव पात्रा, ये क्या संबित पात्रा, क्या सिस्टम है, कौन है, इसको ये नहीं पता कि अलग किससे क्या बात करनी जाए, ये तो कार्टून वाली बात करता है, तथ्य पर कोई बात नहीं करता। संबित पात्रा अगर हम पे आरोप लगाया तो हम संबित पात्रा पे आरोप लगाते, ये हमें इस पे शक है, पता नहीं क्या सिस्टम है, आदमी है, मर्द है, औरत है। आप लोग बॉलीवुड के, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सनी देओल हो, इन लोगों को जगह पाइएगा, जगाइएगा,
हमें बॉलीवुड के मोहताज नहीं हम लोग, समय आएगा बॉलीवुड को भी जवाब दिया जाएगा। फिलहाल टकराव सरकार से है, सरकार की नीतियों से है। अगर सरकार से रही बात बॉलीवुड की, जो अपने आप को वहाँ इसी रूम में बैठ करके हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक बार जरा किसानों के आसपास को गाड़ी निकाल के देख लेगा, अगर रेल ना बना दी तो बात है किसानों ने, मतलब प्रहार होगा, किसान उस पर छोड़ेगा नहीं। देखिए प्रहार हम सवाल करेंगे उनसे, हम पूछेंगे कि आप सवालों का प्रहार करेंगे, हम पूछेंगे अमिताभ जी से, हम पूछेंगे सनी देओल से, हम पूछेंगे कंगना से, जिस गेहूं को जिस अन्न को तुम लोग खा रहे हो आज उसी उगाने वाले का आप अपमान कर रहे हो, ये किस तरह का लाल बहादुर शास्त्री, हमारे स्वर्गीय चरण सिंह जी जैसे नेता, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आज किसान को इस तक पर पहुंचाने का काम किया है, अगर ऐसे नेता तक ऐसे भोले वाले किसान का अपमान कर ये लोग अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं, तो इन लोगों से छोटा आदमी, इन लोगों से बड़ा गिराव आदमी किसी को नहीं। जरूरत पड़ेगा तो किसान उन लोग के घर पे जाके उनको जगाने का काम करेगा, सवाल करने का काम करेगा। किसान सड़क किसान की संसद इनका है, हम किसी के घर पे नहीं जाएंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। लेकिन संसद में भेजा ना किसानी ने उनको वोट दिया। देखो चुनाव में जब ये लोग हमारी डोल पे आके बैठ गए, कहने लगे चौधरी साहब आपके वोट दे दो, थरे हिसाब से काम करेंगे, हम लोगों ने वोट दिया, हम लोग भी त्रस्त 60-70 साल से, कहीं ना कहीं हमें ये था कि किसानों का कल्याण नहीं हो रहा, कि चलो ये नई सरकार है बदलाव करके देख लो, हमारे डोल पे आके कोई बैठ रहा वोट मांग रहा दे दो भाई वोट, लेकिन इन्हीं के कहने पे हमने वोट दिया, तो इन्हें उतारना भी किसान जानता है। तो बहकावे में कहीं ना कहीं आ गए लोग, जाहिर सी बात है बहकावे में आए हम लोग, हमें तो सपना कुछ और दिखाया गया था, हमें तो ये बताया गया था, कहने लगे 15 लाख मिलेंगे, इस तरह देश में अच्छे दिन आएंगे, कहीं कोई अच्छा दिन नहीं आता। एक बात है कि जिस बात का गुमा नहीं था वही बात हो गई, तेरी शहर शहर न रही रात हो गई, और इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। किसान अब तक जाग चुका है, किसान का बेटा जाग चुका है, अगर किसान को अनपढ़ समझते हो, पंजाब में 1500 ज्यादा जो जियो का टावर था उसको डिस्टर्ब कर दिया, इसे तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान है ना भाई, नुकसान हमारा, हम तो खुद कह रहे हैं हमारा तो ये भी नुकसान है ना, जो कानून सरकार लेके आई इससे बड़ा नुकसान हमारा कुछ नहीं है, हमें तो सरकार मजदूर बना देगी, अब जियो का टावर गिर रहा है तो अंबानी का गिर रहा है, हमारे घर से नहीं गिर रहा, हम हर वो शख्स कोशिश करेंगे, हम वो हर तरीके की कोशिश करेंगे जिससे सरकार बैकफुट पर जाना चाहेगी, हम पूर्ण रूप से घर से ये मूड बना करके आए हैं कि हमें सरकार को बैकफुट पर लेकर के आना है। पतंजलि हो या फिर रिलायंस, इसका बायकॉट जारी रहेगा, पतंजलि रिलायंस हो जो भी इन लोगों के पक्ष में आएगा, जो किसानों का अपमान करेगा, जो किसानों को खालिस्तानी बोलेगा, हम उसका बायकॉट बहुत अच्छे ढंग से करना जानते हैं, सब हर एक किसान ने इस बायकॉट करने में पीएचडी कर ली, इस आंदोलन में ये एक महीने से ऊपर चल गया, सभी ने किसी ने पीएचडी डिग्री कर ली, किसान पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा, वो कह रहे किसान समझ नहीं रहा, कह रहे पीएचडी के प्रधानमंत्री इतना समझा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अगर समझाने वाले तो प्रधानमंत्री आज इधर विधर ना समझाते, प्रधानमंत्री एक बड़ी एलईडी यहाँ पे लगाते हर एक बॉर्डर पे, और इन किसानों से मन की बात जानते हैं कि किसानों का दर्द क्या है, प्रधानमंत्री बात चल रही इधर, प्रधानमंत्री घूम रहे उधर, ये क्या मामला भैया, प्रधानमंत्री कोई नहीं समझा रहे, प्रधानमंत्री तो बेचारे दबाव में घिस गए, कहने लगे इधर तो कॉर्पोरेट घराना इधर किसान है, कहाँ जाऊँ मैं, प्रधानमंत्री बहुत दुविधा में जगह फंस गए, उनकी दुविधा भी हम समझ रहे, प्रधानमंत्री जी को तो मैं इतना मैसेज देना चाह रहा, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप चुने आप प्रथम व्यक्ति हो, आप सोचेगा इस देश के किसान के बारे में जिसने आपको चुन करके आपको प्रधानमंत्री स्वीकार, युवा किसान है, युवा क्या नाम बताएं आप, माजिद राणा नाम है, माजिद राणा जो युवा किसान है उनसे बातचीत हुई और उन्होंने साफ सरकार को चेताया है कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।